भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं के गले से चेन और जेवर चोरी करने वाली 7 आरोपी महिलाओं को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर शहर में जगह जगह आयोजन किए जा रहे थे। इस वजह से शहर के अधिकतर इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान कोतवाली थाना पहुंचकर ज्योति देवांगन और मंजू सिंह थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि हटरी चौक के पास स्थित हनुमान मंदिर में जयंती के अवसर पर पूजा पाठ और दर्शन करने गई थी। काफी भीड़ भाड़ लगी हुई थी। भीड़ का लाभ उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके गले से मंगलसूत्र को चोरी कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर मैम को अवगत कराया, जिनसे कड़े निर्देश प्राप्त कर चोरी गए मंगलसूत्र के संबंध में मुखबिरों को तैनात किया। इसी तारतम्य में आज मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ महिलाएं चोरी के मंगलसूत्र को बेचने के लिए ग्राहक तलाश करने की सूचना पर थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के द्वारा टीम गठित की गई। 7 महिलाओं को घेराबंदी कर गोल बाजार और हटरी चौक से पकड़ा गया। पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर चोरी किए गए मंगलसूत्र को आरोपियों के कब्जे से जब्त किया और विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। दिनांक 16/4/2022 को हनुमान जयंती के अवसर पर क्षेत्र में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, जिसका लाभ लेकर कोरबा की कुछ महिलाएं करीब संख्या 7 में 4 और 3 के अलग अलग ग्रुप बनाकर क्षेत्र में घूम रही थी और भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाकर लोगों के गले की चैन और लोगों का पर्स चोरी करने का प्रयास कर रही थी, जिसमें 2 प्रार्थी थाना उपस्थित आकर ज्योति सिंह और मंजू सिंह थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि उनके गले का मंगलसूत्र किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया है, जिसके तस्दीक हेतु तत्काल थाना कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचे और आसपास पूछताछ किए। पूछताछ में पता चला कि कुछ महिलाएं इकट्ठी हो गए ग्रुप में होके आसपास घूम रही हैं, संदेहास्पद स्थिति में मिली और जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल महतो मैडम को बताया गया। उनसे कड़े निर्देश प्राप्त हुए और उनके निर्देशानुसार आगे घेराबंदी करके कुछ महिलाओं को पकड़ा गया, पूछताछ किए। पूछताछ में उनके पास से मौके प्रार्थियों के जो मंगलसूत्र थे मौके से जब्त किए गए, जब्त कर आगे की विधिवत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया है। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।